अंकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत टोणी देवी खंड की खंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग समय समय पर जागरूकता कैंपों का आयोजन कर लोगों को प्रत्येक योजना की विस्तार से जानकारी प्रदान करे। उन्होंने CDPO को कहा कि वे विभागीय योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करने के साथ इनका प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि बाल विकास मेकित टोणी देवी के अंतर्गत 242 आंगनबाड़ी केंद्र तथा 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा 11 से 14 वर्ष के पात्र किशोरियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पोषाहार कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 3093 बच्चों तथा 973 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। SDM ने कहा कि विभेद प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तथा सशक्त महिला केंद्र के परिसर में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करें तथा रोपित किए गए पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित करें। पौधों के संरक्षण के लिए ट्री गार्ड का इस्तेमाल करें। हर माह की 11 तारीख को मनाए जाने वाले बेटा बेटी जन्मोत्सव के अवसर पर संबंधित पंचायत के परिसर में पौधारोपण करें। जिला खंड तथा उपमंडल स्तर पर गुड्डा गुड्डी बोर्ड को अपडेट करें। उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों की निर्माण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के साथ प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में गैस कनेक्शन, बिजली मीटर, पानी तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा शुद्ध पेयजल की महत्ता पर लोगों को जागरूक करने को कहा गया। बैठक में सुकन्या समृद्धि योजना, PM जीवन ज्योति तथा सुरक्षा बीमा योजनाओं की जानकारी प्रदान कर अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता कैंपों का आयोजन कर बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा परामर्श, बेटी है अनमोल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, महिला स्वरोजगार तथा बाल बालिका सुरक्षा योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके उपरांत पोषण अभियान, खंड स्तरीय सशक्त महिला केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ब्लॉक टास्क फोर्स तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी बैठक का आयोजन किया गया। SDM ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपरोक्त योजनाओं के तहत दिए गए लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर CDPO टोणी देवी, कल्याण चंद ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत टपरे रजनीश कुमारी, तहसील कल्याण अधिकारी उर्मिल पटियाल, BRCC प्रवीण कुमार, दिनेश कुमार, SCBPO किशोरी लाल जसवाल के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंडी जिला भाजपा महामंत्री पंकज जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 जुलाई से राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी और सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर मंडी जिला भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान के प्रमुख राम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए 30 जून तक मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, ताकि बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान को सफल बनाया जा सके। पंकज जम्वाल ने कहा कि ये सदस्यता अभियान 6 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। बाजार में हुए बस हादसे पर कांग्रेस पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने पर लगी हुई है, तो वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं HRTC निगम के उपाध्यक्ष
विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पंगु बनाने में उल्टा पूर्व कांग्रेस सरकार को ही दोषी ठहराया। अग्निहोत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राठौर को नसीहत देते हुए कहा कि हादसों पर बयानबाजी देना बंद करें और पहले अपने बिस्तर के नीचे झाड़ू फेरें तब बात करें। एचआरटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर द्वारा की जा रही बस हादसे के बाद बयानबाजी पर एतराज जताया है। उन्होंने माना कि प्रदेश में हादसों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन उक्त हादसा एचआरटीसी का न होकर निजी बस का है। वहीं उन्होंने हादसे के बाद ओवरलोडिंग पर प्रदेश सरकार की सख्ती को सही बताया, क्योंकि इससे हादसों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था के बुरे हाल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं ओवरलोडिंग से हो रही दिक्कतों पर अग्निहोत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने कोशिश की है कि ओवरलोडिंग ना हो। उन्होंने माना कि लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई रूटों पर कमी के चलते परेशानी हो रही है, लेकिन जल्द नई बसें आ रही हैं जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।